अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रियल रिएक्शन। तो गाइज एक शेर यहाँ पे बनता है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बिल्कुल ठीक है, इसका बांग्लादेश ने एक सॉन्ग निकाला है, सैम पानी लगबे लगबे पानी। ठीक है, पानी की जरूरत है। हाँ, ये वो लड़का जो अबू सयाम फोत हुआ है ना, जो सबसे पहला लड़का जिसको गोली लगी थी, जिसने हाँ मतलब कि अपने बाजू खोले हुए थे। ठीक है, उसके दो मीनिंग्स उन्होंने बताए थे कि आओ मुझे मारो या आओ मुझे हग करो, गले लगाओ। ठीक है, तो बट ये था कि ये इज द फर्स्ट मैन, ठीक है, जो बांग्लादेश की प्रोटेस्ट में शहीद हुआ था। बिल्कुल, ठीक है, चले पहले सुनते हैं सॉन्ग। চোখের ভিতরে পট্টি বাইন্ডা সিনার ভিতরে চালা যায় রাজপথে রাস্তিকা লয়া লইছে কপালে, রাতের বেলা ঘুম হইয়া যায় খবর পায় না সকালে, একটা মুগ্ধ খাইলে মুগ্ধ পয়দা হইব আরো, আমার মতো আরো কইব পানি লাগবো কারো, আমার মানচিত্রের পতাকাটা কত খাবি ছিড়া, আমি বাঁচার লাইগা শহীদ হমু আবার আমু ফিরা, আমার মানচিত্রের পতাকাটা কত খাবি ছিড়া, আমি বাঁচার লাইগা শহীদ হমু আবার আমু ফিরা, একাত্তরের যুদ্ধ দেহি আজও থামে নাই, আমি ঘরের ভিতরে ডরেছিলাম কখন লয়া যায়, লগো এক একটা বুলেট পাইতা লইছে আমার ভাই, আমি খবর পায়া দৌড়াই গেছি ঘরে থাকি নাই, ধরা কইছে রাজা কার, আমি হইছি রাজা কার, আমি যুদ্ধে গেছি পানি দিতে দোষটা কি আমার, আমার মায়ের চোখের স্বপ্নগুলো উড়াই দিছে এমনে, আমি রাস্তার উপরে মইরা ছিলাম কুত্তা মরে যেমনে, একাত্তরের মতো দেহি চব্বিশেও এখন, ওরা কাফনের কাফন ছাড়া দিছে সব দাফন, আমার রক্তে জলে লাল সবুজের পতাকাটা আগুন, কত মারবি মারতে থাক আবার জন্ম লইব দ্বিগুণ, সোনার বাংলা কান্দে আমার রক্তে হইছে লাল, পুলিশ দিয়া ছাত্র মাইরা মিডিয়া নিছে যা, এইবার বাপের কান্দে পোলার লাশটা তরাই দিয়া ওজন কর, বুকের কাছে বাইতা দিছি কত গুলি করবি, আমার মানচিত্রের পতাকাটা কত খাবি ছিলা, আমি বাঁচার লাইগা শহীদ হমু আবার আমু ফিরা, আমার মানচিত্রের পতাকাটা কত খাবি ছিলা, আমি বাঁচার লাইগা শহীদ হমু আবার আমু ফিরা। मतलब कह रहे हैं पानी ले आओ, पानी जब उसको फायर लगा ना मेरे ख्याल में, पानी ले आओ, लड़का जब नीचे गिर गया था, हिस्ट्री उठा के देख लो, जब भी कोई प्रोटेस्ट अपने हक के लिए बोलता है ना, ठीक है जी, आजादी खून मांगती है। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि जिस मुल्क में भी आप देख लो कि आजादी के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, हक के लिए, राइट्स के लिए बोले है ना, ठीक है, जो भी मतलब कि इतनी मेहनत मशक्कत के बावजूद जो है ना, इनको अपना हक मिला है ना, ठीक है, और फिर भी देख लो कि कुर्बानी देनी पड़ती है। बिल्कुल, ठीक है, 1971 बांग्लादेश ने जब अपनी फ्रीडम के लिए आज़ादी मांगी है तो बेवा कत्लोगा, ठीक है, 1947 ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की जब पार्टीशन हुई है तब भी जंग, अब अच्छा वो देख लो, वो तो एक समझ लो कि अपने मुल्क के लिए जंग थी, ठीक है, यहाँ पे अपने हक के लिए, राइट्स के लिए जंग थी, ठीक है, अपने हक लिए, और फिर भी यार 300 के करीब, ठीक है, स्टूडेंट शहीद हो गए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, और मेरा ख्याल कुछ 70,000-70,000 जो वो है जो इंजर्ड हुए पड़े हैं, ठीक है, जो हॉस्पिटलों में है, ठीक है, बट ये है कि भाई आज़ादी खून मांगती है, ठीक है, और बांग्लादेश ने ये साबित किया है कि हम खून देने के लिए तैयार हैं, बट अपने राइट नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, ठीक है, बट यहाँ पे शेख सीना वाजिद का ये स्टेप बनता था कि स्टूडेंट के हक में बोलती और उनको उनके राइट्स देती, ठीक है, और अच्छे तरीके से अपना मुल्क का निज़ाम चलाते। अब देख लो ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है जी, सब लोगों, जो भी आप चैनल खोल लो ना, उस पर बांग्लादेश की न्यूज़ चल रही है, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड चल रही है, ठीक है, बट ये कि फिर उसको भागना नहीं चाहिए था, भगोड़ी होगी ना वो भागने पर मजबूर इसलिए हुई है क्योंकि जब उसने नहीं मानी है, ठीक है जी, फिर उसने क्या किया, फ्रीडम फाइटर को आगे किया, ठीक है, इट मीन कि वो खुद चाहती थी कि मुल्क में दंगा फसाद हो, ठीक है, तो वो हो गया, ठीक है, तो वो हो गया, तो उसमें काफ़ी जाने, अब जो देखो ये आज़ादी तो मिल गई, फिर हक इनको अपना मिल गया, जो जिन माओं के बच्चे चले गए हैं दुनिया से, ठीक है जी, उनके लिए तो आज़ादी मिली ना मिली तो एक बराबर है ना, ठीक है, उनके लिए तो मातम है ही है ना,
तो यार बहुत ये समझ लो कि शोक का दिन था, ठीक है, बट ये था कि बहुत मुश्किल क्रिटिकल सूरत अभी भी हालात बहुत खराब है बांग्लादेश में, अभी कौन से ठीक हो गए, अभी भी बहुत हालात खराब हो गए पड़े, नहीं अभी भी वो फ्रीडम फाइटर के साथ ही लड़ रहे हैं, अभी भी वही चल रही है, बट वो जब उसको जो चीज मिल रही है ना उसको जलाई जा रहे हैं। कल हमने वीडियो देखी थी उसमें आर्मी की जो गाड़ियां थी आर्मी की गाड़ियों को भी जला रहे हैं। ओहो यार ये तो और हर बंदे के हाथ में किसी ने गन पकड़ी है, किसी ने वो खंजर पकड़ा है, किसी ने कुछ पकड़ा है, कोई ना कोई चीज। पहले तो ये था कि वो नहाते निकलते थे, अभी है कि वो खुद अपने हाथों में, अब वो समझ रहे कि उनके सर पे यही है, या मरो या मार दो। नहीं मुझे ये नहीं समझ लगता कि ये सूरत हाल बन गया रही है, इनको तो अपने राइट्स मिल गए हैं, अब वो जिसको लेके आ रहे ना, अब हुकूमत गिरानी थी वो गिर गई यार, अब वो जो नहीं था जिसको आगे हुकूमत दे रहे निगरान को मत बना रहे थे, उसको भी वो कह रहे हमने नहीं देखा, इसको हुकूमत भी नहीं देनी, नहीं देनी इसको भी, बट वो तो यार आरजी हुकूमत होगी ना, आरजी तो होगी पर कहता आरजी भी इसको नहीं देनी। हमने इसको भी हुकूमत नहीं देनी, या अभी फौरन इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन हो के ज्यादा चांस है खालदा जिया के आगे आने के, बट ये है इलेक्शन में टाइम लगता है, इस टाइम बांग्लादेश जो है ना वो गड़बड़ पूरा डावाडोल हुआ, अभी यही है ना कि निगरान हुकूमत स्टेबल करने में टाइम लगेगा, महीना दो महीने लगेंगे, जब वो पूरे अपने रिदम में आ जाएगा, ठीक है, जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे उसके बाद फिर इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाएगी, ठीक है, और फिर फ्रीडम इलेक्शन होंगे, ठीक है यार, वो कोई अपना वो यही चाहते हैं ना कि निगरान भी आए तो कोई हमारे हक में खड़ा होने के लिए आए, बट ये है कि यार ये मोहम्मद यूनस तो ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है, वो नहीं इसको तस्लीम नहीं कर रहे, इसकी भी कोई अभी तक वीडियो या कोई चीज आई नहीं है सामने, किसने क्या किया है, इसके क्यों खिलाफ है अवाम, ये अभी तो कुछ पता तो नहीं चल रहा, वो जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं उनको बेहतर पता कि जैसे हमारे मुल्क में जो बंदा हमें पता कि भाई वो किस करैक्टर का, चाहे उसको बिल्कुल वो उनको ज्यादा इसलिए यार आवाम क्यों हो, लेकिन ये कि उस वहाँ पे रहने वालों को बशिंदों को पता होता है वो बंदा, आवाम कोई कहती है कि यार ये बंदा नहीं सही या इसके खिलाफ जाती है तो किसी वजह से जाती है, इसका भी कुछ कारण होंगे, सम टाइम ऐसे होता है ना किसी बंदे का ना कहीं से लिंक्स होता है, इट्स मीन के डॉक्टर यूनुस जो है इनका लिंक्स फिर शेख सिन्हा वाजिद के साथ है, इस वजह से क्योंकि इस टाइम जो बांग्लादेश की वाम है ना वो शेख सिन्हा वाजिद का नाम भी सुनना पसंद नहीं, लेना के वो सुनना जो ले भी रहा है उसको भी अच्छा नहीं समझ, हाँ वो सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, जो बंदों ने अपनी वाम का राइट्स के खिलाफ अगेंस्ट गई है ना, ठीक है, जब इसको पता चल गया था कि यार मेरी वाम ये चीज मांग रही है, ठीक है, तो उसको ठीक है, उसको ठीक है मैं आपको आपका हक देती हूँ, ठीक है, हुकूमत भी चलती, मुल्क भी ठीक रहता, इतना गड़बड़ भी ना होती, इतने लोग शहीद भी ना होते। तो जी गाइस आप इस सॉन्ग के बारे में क्या कहें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और आने वाला जो भी आपका लीडर है उसका नाम जरूर मेंशन कीजिएगा कि हम इसको वोट देना चाहते हैं, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।